हे गाइस, मैं हूं सूरज कर्नल और स्वागत करता हूं आपका हाईटेक भारत इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आप इनशॉट एप्लीकेशन के अंदर वीडियो एडिट करते हो तो उसके अंदर स्प्लिट और ट्रिम, ये दो चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इन दोनों चीज़ों से ही आपकी जो वीडियो है वो एडिट होती है। जहाँ पर समझो आपको वीडियो का मिडल का पार्ट कट करना है और इस पार्ट को रखना है, इस पार्ट को रखना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। फिर अगर आपको समझो वीडियो है आपकी, आपको पीछे का पार्ट हटाना है या फिर आगे का पार्ट हटाना है, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें होती हैं स्प्लिट और ट्रिम के ज़रिए। जहाँ पर आप जो है स्प्लिट और ट्रिम कैसे कर सकते हैं इनशॉट एप्लीकेशन के अंदर, आज के स्टूडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको इनशॉट ऐप जो है वो ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वीडियो पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है एक नया वीडियो की बनाने की ओर चले जाएंगे। जहाँ पर हम एक वीडियो ऐड कर लेते हैं, इसमें यहाँ पर ये वाली वीडियो जो है वो ऐड कर लेते हैं। ओके, और ये वीडियो ऐड करने के बाद इसका जो हम रेशियो रहेगा उसे हम सेट कर देते हैं कैनवास पर क्लिक करके, यहाँ से 16:9। डन। अब यहाँ पर हम जो है क्या करना था, हमें स्प्लिट और ट्रिम करना था। तो अगर आपको जिस वीडियो को स्प्लिट या ट्रिम करना है तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ स्प्लिट और ट्रिम किस चीज़ में यूज़ आता है। स्प्लिट यूज़ आता है आपका वीडियो के बीच का पार्ट काटने के लिए, ओके, और ट्रिम काम आता है आपका वीडियो का आगे का और पीछे का जो है छोटा पार्ट छोटा करने के लिए। ट्रिम मतलब छोटा करना और स्प्लिट मतलब बीच का पार्ट काटना। ओके, समझा। तो यहाँ पर हम जो है पहले तो सीखते हैं कि ट्रिम कैसे किया जाता है। तो अगर आपको अपनी वीडियो को ट्रिम करना है तो ट्रिम करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस वीडियो के ऊपर टैप कर लेना जिस वीडियो को आपको ट्रिम करना होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ट्रिम आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिम, ठीक है। तो ये जो दिखा रहा है ना यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करके ऐसे आगे ले सकते हैं, ठीक है। तो उतना पार्ट जो है ट्रिम करेगा ना उतना पार्ट जो है कट हो जाएगा। अब पहले मैं आपको दिखा, तो पहले कहाँ से प्ले हो रहा है, यहाँ से प्ले हो रहा है। अब यहाँ से इसके ऊपर से लॉन्ग प्रेस करके इसे पीछे खींचूंगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा फिर प्ले होना, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हैं। सेम आप पीछे से भी कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है इसे ट्रिम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रिम है, अगर इसको बड़ा करना है तो वही चीज़ पकड़ के खींच ले रहे हैं। और इसका आखिरी अगर होगा पार्ट मतलब एंड में पहुँच जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर ये इधर होगा तो इस तरीके से शो होगा कि मतलब आगे और बढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना समझ गया। तो इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हैं। आप स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, अगर आपको अपनी वीडियो को स्प्लिट करना है तो यहाँ पर आपको उस वीडियो के ऊपर पहले तो टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आप जब लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्प्लिट का। अब यहाँ पर स्प्लिट से मुझे क्या करना है कि ये जो बीच का पार्ट है ना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे इसे रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्प्लिट पर एक बार क्लिक करूँगा, ओके, तो यहाँ और यहाँ पर स्प्लिट पर एक बार क्लिक करूँगा। आगे बीच का पार्ट अलग हो गया। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं एक बार टैप करके इसे इजीली डिलीट कर सकता हूँ, हो गया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है स्प्लिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बैक करेंगे उसको वापस जैसे कि वैसे कर देंगे, गलती हो गई तो यहाँ से अंडू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक करेगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और आशा करता हूँ आपको स्प्लिट और ट्रिम कैसे किया जाता है इनशॉट एप्लीकेशन के अंदर आप सीख गए होंगे। बड़ी आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो बाय बाय, टेक केयर।